होते होंगे लाख दर्द गम इश्क में सनम। असली दर्द तो तब होता है जब कोई पूछता है कि आपका मुजफ्फरपुर तो स्मार्ट सिटी में है ना। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर का नगर निगम का चुनाव फिर वापस से आ गया है 2.0 कह लीजिए, क्योंकि बीच में स्थगित हो गया। सिटी में का लाने का योगदान मेरा है। जितने भी अधिकारी हैं और जो भी लोग हैं सब लोग लापरवाह कहिए, और यहाँ के जो निगम विधायक हैं, अभी तो शहर में निगम विधायक वही हैं, उनकी अधिष्ठता कारण और उनके असक्षमता कारण कोई काम नहीं हो पा रहा है और उनका कोई नोटिस पर नहीं है, इसलिए स्मार्ट सिटी का काम लचर पड़ा। जनता का कहना है कि भाई 27 साल से विजेंद्र जी यहाँ के नगर विधायक रहे हैं और उन्होंने कोई काम नहीं किया, और वो सब जगह घूम करते हैं सुरेश कुमार ने कोई काम नहीं किया। तो मैं आज भी इस माननीय जनता के सामने मैं कहना चाहता हूँ कि आप 27 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए और मेरा 4 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए, किसने काम किया है उस आधार पर आप वोट करें। इसलिए विजेंद्र जी स्पष्ट कह रहे हैं कि चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, और मैं इसलिए विजेंद्र जी वर्सेस सुरेश कुमार यहाँ हुआ है, और विजेंद्र जी को निगम विधायक इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि कबूतरबाजी कर रहे हैं, अभी शहर में कबूतर उड़ा रहे हैं सब जगह। स्टार्ट करें। होते होंगे लाख दर्द गम इश्क में सनम। असली दर्द तो तब होता है जब कोई पूछता है कि आपका मुजफ्फरपुर तो स्मार्ट सिटी में है ना। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर का नगर निगम का चुनाव फिर वापस से आ गया है 2.0 कह लीजिए, क्योंकि बीच में स्थगित हो गया था। फिर से प्रत्याशी मैदान में हैं, और इसी कड़ी में हमारे साथ हैं पूर्व महापौर सुरेश कुमार। कैसा लग रहा है फिर एक बार चुनावी मैदान में है? जी, पहले बात तो सबसे पहले आपके जो व्यूअर्स हैं उसको मेरा प्रणाम, खासकर शहर की जनता को मेरा प्रणाम। और रही बात आपने कहा स्मार्ट सिटी का, ये सच्चाई स्मार्ट सिटी में का लाने का योगदान मेरा ही है। स्मार्ट सिटी आया, लेकिन चूँकि हमको हटा दिया गया और कार्य स्थिति पड़ी है, और ये लिए स्मार्ट सिटी के जितने भी अधिकारी हैं और जो भी लोग हैं सब लोग लापरवाह कहिए, और यहाँ के जो निगम विधायक हैं, अभी तो शहर में निगम विधायक वही हैं, उनकी अधिष्ठता कारण और उनके असक्षमता कारण कोई काम नहीं हो पा रहा है और उनका कोई नोटिस पर नहीं है, इसलिए स्मार्ट सिटी का काम लचर पड़ा हुआ है। पिछले 5 साल में कई बार अविश्वास प्रस्ताव का खेल हुआ, उसके पीछे क्या कहानी थी? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव की खेल हुआ ये सब शहर की जनता जान रही है, किसने किया क्यों किया ये सब जान रही है, और पुरानी बात हो गई है। अब नई बात पर यह है कि जनता 27 साल, चूँकि इस चुनाव महापौर के चुनाव में जनता का कहना है कि भाई 27 साल से विजेंद्र जी यहाँ के नगर विधायक रहे हैं और उन्होंने कोई काम नहीं किया, और वो सब जगह घूम करते हैं सुरेश कुमार ने कोई काम नहीं किया। तो मैं आज भी इस माननीय जनता के सामने मैं कहना चाहता हूँ कि आप 27 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए और मेरा 4 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए, किसने काम किया है उस आधार पर आप वोट करें। इसलिए विजेंद्र जी स्पष्ट कह रहे हैं कि चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, और मैं इसलिए विजेंद्र जी वर्सेस सुरेश कुमार यहाँ हुआ है, और विजेंद्र जी को निगम विधायक इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि कबूतरबाजी कर रहे हैं, अभी शहर में कबूतर उड़ा रहे हैं सब जगह। आपके प्रतिद्वंदी क्या कबूतर उड़ाने के चक्कर में है? वो प्रतिद्वंदी नहीं, अपना कबूतर उड़ा रहे हैं, क्योंकि विजेंद्र सलारी मेरी है। अच्छा। प्रतिद्वंदी तो कबूतर असली में उन्हीं का है, कबूतर उनका है ना है, हम प्रतिद्वंदी नहीं, हम जान रहे हैं विजेंद्र जी, चूँकि विजेंद्र जी शहर में का यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के सम्मानित माननीय विधायक हैं, तो मेरा उनसे लड़ाई है, तो विधायक जी से लड़ाई है। इसलिए विधायक जी आप बताएं शहरवासियों को कि 27 साल में आपने क्या किया है, और मैं बताऊंगा 4 साल में, 4.5 साल मैंने क्या किया, बस यही कहना है मेरे को। किंग और किंग मेकर में फंसा रहा पिछला 5 साल, आगे विकास का रोड मैप कैसे? ये सही है, ये सच्चाई है कि किंग मेकर लोग पहले 20 साल से किंग मेकर लोग जो है सो मेयर को बनाते थे, नचाते थे। ये पहली बार देश, ये जैसे देश 1917 में आज़ाद हुआ था, उसी प्रकार पहली बार नगर निगम 20 साल में आज़ाद हुआ है, ये शहरवासियों के लिए गर्व की बात है। और शहरवासी यहाँ पर जो स्थिति है देख लिए हैं, जाम की समस्या, प्रदूषण समस्या, सारा समस्या यहाँ पर था, हो रहा है, हमने काम किया था, लेकिन विधायक विजेंद्र जी बताए क्या किए हैं। इसलिए शहरवासी विश्वास रखें और काम होगा, हमको मेयर बनाए काम होगा, चूँकि अब मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से काम करूँगा। चुनाव में कई किंग घूम रहे हैं जिनके पीछे कोई ना कोई किंग मेकर सामने आ रहे हैं, सुरेश कुमार के पीछे किंग में किनका आशीर्वाद प्राप्त है? मेरा किंग मेकर मैं बताऊं, मेरा किंग मेकर एक ही किंग मेकर है, यहाँ के सामान्य जनता, और किंग मेकर वही है, और किंग मेकर वही रहेगी, पूरे बिहार पूरे भारत में
जनता ही किंग मेकर होती है। मैं आपको जनता पर विश्वास है और मेरा चुनाव चिन्ह मेज छाप यानी टेबल छाप है और क्रमांक संख्या 14 पर है। जनता से अपील है कि मेरा क्रमांक संख्या 14 बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनावे, यही अपील है जनता के सर्वासियों से। कुछ 5 प्रमुख घोषणाएं जो जनता के लिए आपने सोच के रखा है। देखिए, हम चूंकि मेरा कार्यकाल सफल रहा है, मेरा कार्यकाल में कोई हम पर दाग लगा नहीं, जो भी दाग लगा वो हट गया, सब सर्वासी जान रहे हैं। मेरी प्रमुख, चूंकि हम पहले बता चुके हैं कि बहुत प्रत्याशी लोग ये करेंगे हेलीकॉप्टर उतारेंगे, फलना करें चले, ऐसा से होने वाला नहीं, ये सब चीज़ कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि मैं शहर के जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे मैं वाकिफ हूँ, आप भली भांति वाकिफ हूँ क्योंकि मैं भी यहीं का बच्चा हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। हाँ, सबसे पहला मेरा काम होगा ये 3 काला कानून जो हमारे हटने के बाद हम जब हटाया गया था, यहाँ का सो कॉल्ड मेयर और विजेंद्र जी चलते ये लगाया गया था यूजर चार्ज क्या है, जो सफाई होने रही है, सफाई चार्ज का पैसा ले रहे हैं, पानी घर घर में पहुंचा नहीं, आप पानी का पैसा ले रहे हैं और ट्रेड लाइसेंस, ये तीनों पर मेरा पहला कार्य, तीनों काला कानून है, ये पहले मेरा काम रहेगा जो मैं कह रहा हूँ कि मैं पहला जो काला कानून को हटाऊँगा, ये मेरा पहला ये रहेगा। और उसके बाद समस्याएँ बहुत है, मैं सुरेश कंवर वादा करता हूँ कि मैं ईमानदारी से मैं काम करूंगा और करने की कोशिश करूंगा। तो आप सुन रहे थे सुरेश कुमार को और इन्होंने बड़ी प्रमुखता से इस बात को कहा है कि हमारे पास जो है वो मेज छाप चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने दिया है और अगर आप जनता मालिक अगर कुर्सी दे देती है तो ये कुर्सी और मेज की जो जोड़ी होगी वो शहर में विकास की गंगा बहाएगी। आप मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे थे, नमस्कार।